नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं मंडे के लिए मतलब 31 अगस्त 2020 के लिए मैंने इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप मतलब बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूँ नेक्स्ट डे के लिए, निफ्टी एनालिसिस बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोग को स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ भी अपडेट कर दूंगा, उसका भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइव मार्केट दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजी है, जो आप लोग अपना के बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट कमा सकता है। इसके अलावा बहुत सारा स्टॉक मार्केट नॉलेज के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेटजी है, टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और बीच बीच में मैंने जो कुछ भी नया कुछ मेरा रिसेशनलिस के ऊपर आता है तो मैंने वीडियो लोड करता रहता हूँ, तो उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है, वो बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोग को बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा। और एंजल बुकिंग आस्था टेड एलिस ब्लू आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को उधर से मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने पहले ये स्टॉक्स चुना हूँ, ये प्राइस चेंज इन प्राइस वॉल्यूम वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर चुना गया है। आज का हिसाब से जो पॉजिटिव चेंज इन प्राइस दिखाया और हाई वॉल्यूम दिखाया और इसका हाई वोलेटिलिटी और लेस डिलीवरी परसेंटेज है, तो इसके हिसाब से ये चुना गया है। तो इसका मैंने तीनों बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाऊंगा आप लोग को। ये किसी एक पे ऊपर काम कर सकता है या ऑब्जर्व कर सकता है। 360 प्राइस एनालिसिस फिबोनाची लेवल्स बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी और गान लेवल्स बेस्ट ऑन गान डिग्रीज बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी। तो मैंने पहले 360 प्राइस एनालिसिस को दिखाता हूँ। 360 प्राइस एनालिसिस में तीनों साइकिल रहता है, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल। हर एक साइकिल में अपसाइड और डाउनसाइड रहता है और पहले आप लोग को कौन सा लेवल पे स्टॉक्स है देख लेना पड़ेगा। मार्केट ओपन होने के बाद भी कौन सा लेवल पे स्टॉक्स है देख लेना पड़ेगा। सोच लीजिए ये एक्सिस बैंक, सोच लीजिए ये 505 के ऊपर है तो 507 के ऊपर सोच लीजिए, खुलते ही 511 के ऊपर हो गया है, तो इसके बाद फिर से 508 के ऊपर नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आप लोग को फिर से जब 511.75 मतलब कुछ बफर रखना पड़ेगा, 511.85 या 512 के ऊपर भी ले सकता है, उसका हिसाब से करना है। तो फिर से जब रिटेस होकर 498.99 के नीचे आ जाएगा, फिर से जब 505.80 या 90 या 506 क्रॉस करेगा ट्रेड लेना है, ऐसे करके इसको ट्रेड लेना है। तो देखिए फर्स्ट अपसाइड फर्स्ट साइकिल दिखाता हूँ। तो आप साइड फर्स्ट साइकिल दिखाता हूँ, ठीक है। ये 45 डिग्री से लेकर 360 तक आप साइड फर्स्ट साइकिल, इसके बाद 45 डिग्री से 360 डिग्री डाउन साइड फर्स्ट साइकिल, ठीक है। आप साइड का ऊपर फर्स्ट साइकिल का ऊपर या नीचे चला जाएगा तो सेकंड साइकिल का अपसाइड है डाउन साइड है 1+45 से 1+360 डिग्री तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड साइकिल 2+45 से 2+360 डिग्री तक, थर्ड साइकिल, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये चारों का ये पांच स्टॉक्स का मैंने फिबोनाची लेवल्स बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी और गान लेवल्स बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी दिखाऊंगा। तो ये देखिए फिबोनाची लेवल्स बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी, इसमें आप लोग को पहले कौन सा लेवल पे स्टॉक है वो आप लोग को देख लेना पड़ेगा, ठीक है।
इसमें क्लोजिंग आज के इसने दिया 513 509, ठीक है 509 में क्लोजिंग दिया है इसका ऊपर ये जो जाएगा मतलब वो भी आप लोग को देख लेना पड़ेगा कौन सा लेवल पे है कौन सा लेवल पे है आप लोग को पहले देख लेना पड़ेगा। 509 के ऊपर ये जब ये 518 के ऊपर ये जाएगा तो आप लोग को बाइंग आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को पूरा देख लेना है कौन सा लेवल पे है। उसके बाद गन लेवल भी आप लोग देख सकता है 12.5 से चालू होके, ठीक है 513 को गन लेवल पे हिसाब से 513.16 मतलब 513.20 या 25 या 30 के ऊपर आप लोग ले सकता है। एक 12.5 से एक एक डिग्री होता है, ठीक है। ये सेल साइड है, सॉरी तो दोस्तों देखिए फिबोनाची लेवल बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी ये आप लोग देखिए। फिर से मैंने थोड़ा सा गलत एक्चुअली फार्मूला था तो इसमें उसको मैंने रेक्टिफाई कर लिया। तो इसमें देखिए इसका फिबोनाची लेवल बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी इसको भी आप लोग यूज़ कर सकता है। और गार्ड डिग्रीज बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी कहूँगा ये 12.5 एंट्री लेवल है उसका, ये 22.45 एक एक लेवल है, ठीक है एक एक टारगेट है, ठीक है। सभी में आप लोग को मतलब मैंने पहले जो बोला कौन सा लेवल पे है मार्केट ओपन होने के बाद उसको रिट्रेस होकर फिर से जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा ऐसे सभी लेवल पे ऐसे ट्रेड करना है। आप लोग ये गांड डिग्रीज बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी देख सकता है, फिबोनाची लेवल बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी देख सकता है, 360 फाइबोनाची देख सकता है। वो आप लोग पर छोड़ देता हूँ, आप लोग को सामने बहुत सारा ऑप्शन छोड़ता हूँ तो इसलिए मैंने इधर ये किया हूँ। तो फिर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग मेरे को बोल सकता है कि यूट्यूब वीडियो कमेंट करके आप लोग को एक ही लेवल पे सुविधा होगा तो वो भी मैंने दिखा दूंगा। अच्छा मैं निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का और इंडेक्स का मैंने फिर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी वाला वीडियो जब बनाया था वो 360 डिवाइसेंस ही दिखा दिया। अभी मैं फिबोनाची सिलेबस बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी दिखाऊंगा, ये आप लोग नोट कर सकता है बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करता है, ये आप लोग को नोट कर सकता है। और गांड डिग्रीज भी आप लोग देख सकता है, गांड डिग्रीज बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी, ठीक है। किसी भी एक आप फॉलो कर सकता है, आप लोग फॉलो कर सकता है कोई को जो आप लोग को सूटेबल लगेगा। सोच लीजिए एक गांड डिग्रीज थोड़ा सा पहले दिखा रहा है तो उधर से आप लोग फॉलो कर सकता है, या 360 फिबोनाची लेवल फॉलो कर सकता है, या आप लोग थोड़ा सा बड़ा लेवल चाहिए तो 360 लेवल भी देख सकता है जो पहले मैंने दिखाया। तो कोई भी लेवल आप लोग देख सकता है। अच्छा इसके बाद मैंने कमोडिटी का फिबोनाची लेवल बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी दिखा देता हूँ, उसका और कुछ नहीं दिखाता हूँ, उसका ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो तो इसीलिए मैंने फिबोनाची लेवल बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी दिखा देता हूँ कमोडिटी का, ठीक है।
इसके बाद कुछ स्टॉक्स का आप लोग इधर एक इसको भी नोट कर सकता है, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स का मैंने दिखा देता हूँ, ये आप लोग नोट कर सकता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, आप जब कर सकता है अच्छा लगेगा तो सूटेबल लगेगा तो ट्रेड भी कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो दिखाऊंगा 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी ये है कि आज का डेली कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज जिस जिस स्टॉक्स का आज का डेली कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज जिस स्टॉक्स का आज का डेली कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है, उसका जब लेवल ब्रेक करेगा तो वो अच्छा मूवमेंट देगा। तो इसमें आप लोग देख सकता है, आज किसी का काट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनसाइड द बार NR4 NR7 दिखाऊंगा, तो फिबोनाची लेवल्स भी इसका फिबोनाची लेवल्स तो कमोडिटी का दिखा दिया है। अच्छा, और निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का भी दिखा दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का भी दिखा दिया है। लोग थोड़ा सा पास करके नोट कर ले सकता है, बहुत ही अच्छा काम करेगा। कोई भी एक लेवल आप लोग फॉलो कर सकता है जो अच्छा लगेगा, जो पहले मिलेगा तो आप लोग सोच सकता है कि 8 डिग्रीज में आप लोग को पहले मिल रहा है तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, मैंने अभी इनसाइड द बार NR4 NR7 दिखाऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही बहुत सारा स्टॉक्स आप लोग को सामने मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोग देख सकता है, मतलब सब्सक्राइब करके रख सकता है, रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व कर सकता है। इसमें आप लोग को बहुत सारा स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स और कमोडिटी फ्यूचर्स का लेवल्स मिल जाता है। अच्छा, इसमें अदानी एंड में आप लोग को इनसेट दबा देना, 1 डे का हिसाब से 2 डे का हिसाब से NR4 NR7 में सब कुछ बन गया। अपोलो हॉस्पिटल में देखिए, इसमें इनसेट दबा और NR4 बना है, किसी भी एक पकड़ का आप लोग कर सकते हैं, इनसेट दबा पकड़ सकता है या NR4 NR7 पकड़ने के लिए आप लोग को करेंट कैंडल में ट्रेड करना पड़ेगा। और इनसेट दबा जो लोग जानता है 1 डे का, जो पिछले वाला 1 दिन का या 2 दिन का कैंडल है उसका ब्रेक करने से आप लोग को देख सकता है, ठीक है। ये सब स्टॉक्स में आप लोग को इधर से मिल जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद हायर हाई हाई लोस कुछ में बनता है, बना है क्या देखता है। हायर हाई लोस लगातार 3 दिन से एक्सिस बैंक, बैंक बड़ौदा, बाटा इंडिया, इस सब में बना है। और भी बहुत सारा में डोजी अप ट्रेंड बना है, कैडिला हेल्थ में, इधर कामिंस इंडिया में, ऐसा मोटो में आ रही है लॉस, लोअर आई लोअर लॉस लगातार 3 दिन से एक्सकॉट में चल रहा है, ग्लेनमार्क सॉरी GMR इन्फर में चल रहा है, गोदरेज CP में लोअर आई हायर आई हायर लॉस चल रहा है, हिंडाल्को में लोअर आई लोअर लॉस चल रहा है, हिंदुस्तान लीवर हायर आई हायर लॉस दिखा रहा है। अच्छा, हैंगिंग मैन बना है जुबिलियन फूड में, ठीक है। और देखता है इन्वर्टेड हैमर बना है सीमेंस में। अच्छा, और भी बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैंने दिखा देता हूँ आप लोग को। ये जो मास्टर लॉन्ग है, इसका जब हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, ये सब आप लोग नोट कर सकता है, मैंने नज़दीक रखा है, आप लोग नोट कर सकता है। और मास्टर शॉर्ट बना है अपोलो टायर, अशोक लेलैंड, एशियन पेंट, ऑरो फार्मा, बैंक बड़ौदा, बाटा इंडिया, भारती एयरटेल, भेल, इस सब में बना है। अच्छा, बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, आप लोग देख सकता है, इसको नोट कर सकता है, और भी जो है उसको नोट कर सकता है। अच्छा, बियरिश एनगल्फिंग बन रहा है। अच्छा, इसमें लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक बन रहा है, कौन सा में,
देखते हैं लॉन्ग बॉडी बना है एक्सिस बैंक में, बैंक बड़ौदा में, लॉन्ग बॉडी लॉन्ग टर्म कंडस्टिंग BBCL में, ठीक है। ये 50-50 भी बहुत ही अच्छा है, जिसका हाई या लो कुछ भी वेक करेगा आप लोग देख सकते हैं। अच्छा और भी कुछ अच्छा बियरिश रिवर्सल इधर देख रहा है, बुलिश रिवर्सल बायोकॉन में, किकर सिग्नल बैंक बड़ौदा में, बेल में, बियरिश रिवर्सल बन रहा है कमिंस इंडिया में, आइसर मोटो में, किकर सिग्नल बन रहा है ग्रासिम में, HCL टेक में बियरिश रिवर्सल, HDFC बैंक, हिंदुस्तान लीवर, ये सब आप लोग देख सकता है, ठीक है। और इधर डार्क क्लाउड कवर कुछ बन रहा है क्या देखता है, बियरिश हरामी महिंद्रा महिंद्रा में, ट्रायंगुलर पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकता है। आई डी एफ सी फर्स्ट, LIC हाउसिंग फिनांस, बियरिश हरामी मैकडोल में, ठीक है। ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है सन टीवी में, और इधर UTVS मोटर में बियरिश हरामी, किकर सिग्नल अल्ट्रासेमको में, विप्रो में, ठीक है। अच्छा इधर ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट और भी है, फिर चार टाइप का कैंडल ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होता है, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर, बजाज फिनांस, बैंक बड़ौदा, ट्रेंड लाइन इधर से बुलिश ब्रेकआउट दिया है, सिप्ला, ग्लेनमार्क, ये सब में आप लोग देख सकते हैं। अच्छा फ्लैग पैटर्न देखता है, फ्लैग पैटर्न नहीं बना है, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ये सब कुछ नहीं दिखा रहा है, एक्चुअली सब कम ही बनता है बीच बीच में, ये गैप अप और गैप डाउन बहुत सारा हो जाता है, मिल जाता है, बटरफ्लाई कुछ नहीं बना है, और ये पैटर्न वन पैटर्न टू इसमें से भी कुछ आप लोग देख सकते हैं, पैटर्न टू बजाज फिनांस में, भारतीय एयरटेल में, ठीक है। इधर कनरा बैंक में ये सब भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो ही ख़त्म करता हूँ, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो आप लोग को लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप लोग रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं। अच्छा और भी एक देखता हूँ, निफ्टी बैंक, निफ्टी में कुछ बना है कि नहीं बना है, कोई सा कुछ ट्रंग पैटर्न बनता है क्या नहीं बनता है, हार यहाँ लस्ट लगातार 3 दिन से बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अच्छा मास्टर लॉन्ग बना है निफ्टी बैंक निफ्टी, दोनों बैंक निफ्टी में बना है, फ्यूचर और मतलब मास्टर लॉन्ग मतलब इसका जब मतलब एकदम ये एक्चुअली फिबोनाची लेवल देके किया है, ठीक है, मतलब इसका हाई ब्रेक करेगा, आज का हाई ब्रेक करेगा तो ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिलाएगा। अच्छा बुलिश एनगल्फिंग बना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का इंडेक्स में। लॉन्ग बॉडी तो देखता है निफ्टी लॉन्ग बॉडी कैंडल आज बना है, 50-50 भी बना है। इधर से बियरिश रिवर्सल निफ्टी फ्यूचर का दिखा रहा है, और इधर से मतलब बियरिश रिवर्सल इसका बना है, और इधर निफ्टी फ्यूचर में किकर सिग्नल बना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो बन ही गया है, और कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। इधर ही वीडियो ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।